EWS OBC क्राइटेरिया, EWS OBC क्राइटेरिया इसमें किसकी आय जुड़ेगी, ये प्रश्न बार बार उठता है, परिवार या माता पिता की। EWS और OBC सर्टिफिकेट अपने बनाते हैं तो बहुत से भ्रम और जानकारियां नहीं हैं कि कौन सी आय इसमें जुड़ेगी। आज इसी विषय पर महत्वपूर्ण वीडियो बना रहे हैं। मैं साराठ नमस्कार स्वीकार करें, वीडियो शुरू करते हैं, अपना सहयोग बनाए रखें ऐसा आपसे निवेदन है। तो अपने दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उसकी बात करते हैं, और फिर करेंगे अपने OBC की, अदर बैकवर्ड क्लासेस। पहले अपने EWS को देखते हैं। पहला बिंदु, परिवार की आय जुड़ेगी। ध्यान करें, परिवार की आय जुड़ेगी। अब ये देखते हैं कि परिवार में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। सबसे पहले स्वयं जो प्रमाण पत्र बना रहा है, स्वयं जो प्रमाण पत्र बना रहा है, बनवा रहा है, उसकी जुड़ेगी। दूसरा, उसके माता पिता जो प्रमाण पत्र बना रहा है सदस्य। तीसरे, पति अथवा पत्नी, यानी प्रमाण पत्र बनाने वाला अगर आदमी है शादीशुदा तो उसकी पत्नी, अगर लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है तो उसके पति की आय। उसके बाद भाई बहन बनाने वाले के भाई बहन जो 18 साल से कम आयु के हों उनकी आय भी जुड़ेगी। और बच्चे बनवाने वाले के, अगर बच्चे हैं 18 साल से कम आयु के, 18 साल से कम आयु के, तो ये एक परिवार की परिभाषा है अगर हम EWS का सर्टिफिकेट बनाएंगे। इन सब की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, से कम होनी चाहिए। नंबर तीन, पिछले एक वित्तीय वर्ष की आय देखी जाती है, आय देखी जाती है। और नंबर चार, ये सामान्य वर्ग के लिए बनाया जाता है, सामान्य वर्ग के लिए बनाते हैं। और अगला बिंदु महत्वपूर्ण, इसमें प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया भी देखा जाता है, लेकिन वो सेंटर और स्टेट का अलग अलग हो सकता है। इसके लिए आपको सेंटर और स्टेट की, अपने राज्य की जो वेबसाइट है उस पे अपडेट रहना है। अगर वीडियो उपयोगी लग रहा हो, प्रयास उपयोगी लग रहा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब अदर बैकवर्ड क्लास इसको देखते हैं, इसमें परिवार की क्या परिभाषा है। इसमें जो है सिर्फ प्रमाण पत्र बनवाने वाले सदस्य के माता पिता की आय जुड़ती है, माता पिता की आय जुड़ती है। इस बिंदु का ध्यान रखें, जिस सदस्य का प्रमाण पत्र बनवाते हैं उसकी आय नहीं जुड़ेगी, उसकी आय नहीं जुड़ेगी, ये ध्यान करें। यहां बहुत भ्रम होता है, सिर्फ माता पिता की आय जुड़ेगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए
बनवाने के लिए माता पिता की आय हैसियत देखी जाएगी। EWS में पिछले एक वर्ष की आय देखी जा रही थी, इसमें OBC में पिछले 3 वर्षों की आय लगातार 8 लाख होनी चाहिए, 8 लाख होनी चाहिए, वही सदस्य क्रीमी लेयर में आएगा। इसके बाद बिंदु ये देख लेते हैं कि क्रीमी लेयर में आने के लिए या नॉन क्रीमी लेयर आने के लिए श्रेणियां बनाई गई हैं। उसके आधार पर ही आपका क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का निर्धारण होगा। इसके लिए आप पहले 2 वीडियो मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, उससे आपको बात पूरी तरह समझ आ जाएगी। अब ये श्रेणियां कौन सी हैं? संवैधानिक पद पर बैठे लोग सदस्य, संवैधानिक पद। दूसरा हो गया कार्मिक, जो सरकारी कर्मचारी हैं किसी भी तरह के। तीसरा हो गया निजी व्यवसाय करने वाले, प्राइवेट काम करने वाले। और चौथा हो गया PSU, पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग, जिनको सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं। इन श्रेणियों के आधार पर ही हम निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्रीमी लेयर में आएगा, कौन सा क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। और इसमें भी एक बिंदु का ध्यान रखें कि केंद्र व राज्यों के प्रावधान में अंतर हो सकता है, तो संबंधित स्टेट और सेंटर की वेबसाइट पे जो निर्देश है उनको देख लें। लेकिन इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि EWS और OBC प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो क्राइटेरिया कौन सा है। प्रयास उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।